हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट्स में मुझे बताइए। और जो मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको वक्त पे मिल जाएगी। आज मैं लेके आया हूँ चीज़ स्लाइस ब्रेड पिज़्ज़ा। कैसे बनाया है, आइए हम इसकी वीडियो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेते हैं और अब मैं डाल देता हूँ 2 चम्मच तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें कटी हुई अदरक और लहसुन डाल देता हूँ। अदरक लहसुन को हम ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकंड तक हम फ्राई करेंगे। अब आ रही है प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, इन सभी को मैं डाल देता हूँ इसी में। तो प्याज, टमाटर और जो शिमला मिर्च है, इन्हें हमें बस 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में रखेंगे गैस को। तो देखिए, हमने अपनी वेजीज को अच्छे से सॉटे कर लिया है। अब बारी है इसमें हम सॉस डालेंगे। सबसे पहले रेड चिली सॉस, फिर टमाटो सॉस डालेंगे, और चिली सॉस। ये सभी मैंने 2-2 टेबल स्पून डाला है। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और ज़रा सा हम नमक डालेंगे। अब इन सभी को मैं 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेता हूँ और ठंडा होने के लिए रख देता हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हम ब्रेड पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब बारी है वेजीज डालने की, जो हमने सब्जी तैयार की थी। और ऊपर से चीज। अच्छे से डाल देते हैं ताकि पूरी तरह से कवर हो जाए। हम चीज को डाल देते हैं। ऊपर से मैं डाल देता हूँ पिज्जा सीजनिंग मसाला। ओरिगैनो, और मिक्स्ड हर्ब्स। चलिए, तैयार हो गया है। अब इसको हम सेकते हैं पैन में। बस जरा सा तेल डाल देता हूँ। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। गरम हो गया अच्छे से, अब मैं रख देता हूँ। और अब ढक देता हूँ। करीब 2-3 मिनट तक रखेंगे हम, ढक देंगे और जो गैस की जो फ्लेम है उसे हम बिल्कुल लो रखेंगे। आइए अब देख लेते हैं हमारा दीजिए तैयार रहेगा। अब मैं इसको अब निकाल लेता हूँ।
लीजिए, तैयार है हमारा ब्रेड स्लाइस पिज़्ज़ा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ के लिए, और लाइक पर ब्रेड स्लाइस पिज़्ज़ा बरसा दीजिए। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।